हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये है बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा जिसका नाम है डायंथस, और मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगा रखी हूँ। तो आज मैं बात करूँगी कि मैं इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ और इनकी देखभाल किस तरह से करते हूँ कि इनमें देखिए धीरे फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों, सर्दियों में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं और सर्दी का पौधा है दोस्तों। अगर हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करें तो परमानेंट भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब धूप होने लगती है गर्मी की, तब इन्हें बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, सर्दियों में रंग बिरंगे डायंथस के फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि अगर इन्हें ज़्यादा फूल लेना है ना, तो जो भी इनके सूखे फूल हैं, सबसे पहला काम कि इनके सूखे फूलों को जो है हमेशा चेक करके निकाल देना चाहिए। जहाँ से हम सूखे फूल को निकालते हैं वहाँ ब्रांचेस बनती है, फिर उसके बाद जो है कलियाँ बनना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये भूसी भी होती है, धीरे फूल भर जाएंगे। तो ऐसे देखिए, हम जो है जो भी फूल सूख जाते हैं तो मैं इन्हें निकालते रहती हूँ, फिर उसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। दूसरा काम ये है ना दोस्तों कि शुरू शुरू में क्या था कि धूप बहुत ही कम मिल रही थी, इसलिए इन्हें जो है थोड़ी सी दिक्कत हुई, फूल बहुत ही कम आए। लेकिन जैसे ही देखिए धूप इन्हें मिलनी शुरू हो गई ना, तो इनकी ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया हुई। अब फूल देखिए इस तरह से खिल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर फर्टिलाइज़र की बात है तो इनमें जो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ और वर्मी कंपोस्ट। देखिए यहाँ पे जगह है ना, तो इस पौधे को थोड़ा सा हाथ से उठाकर जो है किनारे किनारे जो है मैं सूखी जो खाद होती है दे देती हूँ। अब पानी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पानी मिट्टी को चेक करके देते हैं। इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, अगर ज़्यादा पानी देने लगेंगे तो धीरे धीरे गलने लगते हैं, इसलिए मिट्टी को चेक करके हमें पानी देना है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, अभी देखिए बिल्कुल डायंथस की तरह हैं, लेकिन इनके जो फूल है ना बहुत ही खूबसूरत गुलाब की तरह है। देखिए इस तरह इनकी कटिंग तो मत पूछिए, बहुत ही आराम से लग जाती हैं। और ये देखिए ये भी हैं, तो इन्हें जो है नीचे से ही हम कट कर सकते हैं। अगर नीचे से कट कर देंगे तो ये फिर से जो है अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और काफ़ी घने होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी मेरे पास जो है सीजन नहीं है, इसलिए मैं कट नहीं कर रही हूँ, इनके सूखे फूलों को ही हटा रही हूँ। तो दोस्तों, जो भी फूल सूख जाते हैं उन्हें हटा देना चाहिए और 15-20 दिन में जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सूखी खाद देनी चाहिए। सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हुआ, या फिर केले के छिलके का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर वर्मी कंपोस्ट, या गोबर की सड़ी पुरानी खाद, या पत्तियों की खाद, ये सब जो है 15-15 दिन का गैप देके जो है देना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए जो है इस तरह से, तो ये सब बिल्कुल बेकार से हो गए थे, लेकिन मैं जो है थोड़ा केयर की ना, तब जाके ये बचे हैं। और धूप अच्छी तरह से मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि सर्दियों में जितनी अच्छी धूप मिलेगी पौधों को, उतनी ही बढ़िया से ग्रोथ होगी। और जब धूप नहीं रहेगी तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी। अब की बार तो समझिए कि फूल बहुत ही कम खिले हैं मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, सर्दियों के जो भी फ्लावर प्लांट हैं, हमें उनमें जो है 15-20 दिन का अंतर दे के जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सूखी खाद दे देनी चाहिए, और धूप जो है इन्हें बराबर मिलनी चाहिए, और फिर उसके बाद मिट्टी को चेक करके पानी देना चाहिए। जो भी इनके फूल सूख जाते हैं दोस्तों, चेक करके निकाल देना चाहिए, तभी जाके जो है अच्छी खासी ग्रोथ होगी और ढेरों फूल आएंगे। मैं आपको बताऊँ कि फूलों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम थी, मैं घबरा गई थी कि आखिर क्या करूँ कि इनमें ढेरों फूल आएँ। तो बस वहीं ऑर्गेनिक खाद देते रहें और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दिए, लेकिन दोस्तों कमी धूप की, धूप नहीं मिल पा रही थी। और देखिए जैसे ही अच्छी खासी धूप मिलने लगी और ये देखिए फूलों से अब भरने लगे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्लांट है, और अब तो इनका धीरे धीरे सीजन जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है 1-1.5 महीने इनकी अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी। तो जब मैं लगाई थी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। और मैं दिखाती हूँ जो बंदरों ने उखाड़ कर फेंक दिया था, इनकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, ये देखिए इस तरह से लग गए, फूल भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बंदर आ जाते हैं ना, तो समझिए कि हमारे सभी पौधों की जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखिए गजानिया में भी फूल खिल रहे हैं। तो दोस्तों, धूप मिलनी शुरू हो गई और देखिए फ्लावरिंग भी होने लगी, ये देखिए। अगली बार तो पिटूनिया में ढेरों फूल आ रहे थे, और आपने देखा होगा कि जो गुलदावरी है इनमें भी फूल उल नहीं आए, लेकिन अब देखिए कलियां बन रही है इस समय। तो दोस्तों, अब की बार जो मेरे गार्डन में फूल बहुत ही लेट आ रहे हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।